आज के स्टूडियो में आप जान सकते हैं कि आप फ्लिपकार्ट से अपना जो बैंक अकाउंट है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, आप अपना जो क्रेडिट कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए बस दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना से शेयर करना, और यदि आप इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले दोस्तों यदि आप अपना जो बैंक अकाउंट है उसको रिमूव करना चाहते हैं, आप अपना जो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट की जो ऐप है उसके अंदर आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो 3 लाइन दिखाई दे रही है आप देख सकते हैं, आपको उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है माई अकाउंट, आप देख सकते हैं आपको उस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलते हैं जहाँ पे लिखा है माय कार्ड एंड वॉलेट, आप देख सकते हैं, तो आपको उस पर क्लिक करना है। आपने यदि कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ऐड किया होगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना जो ATM कार्ड है जिसको हम डेबिट कार्ड बोलते हैं वो यहाँ पे मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिखाई दे रहा है। अब यदि दोस्तों मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ या से हटाना चाहता हूँ तो हमें इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है डिलीट कार्ड, आप देख सकते हैं डिलीट कार्ड का जो ऑप्शन है वो हमें मिल जाता है, हमें इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जो कंफर्म का जो ऑप्शन दिया हुआ है हमें इस पर क्लिक करना है, जिससे कि हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू।